आगे बढ़ते हैं, केतल से जानकारी है। कैलरम गांव में 40 एकड़ फसल में आग लग गई है। बिजली विभाग पर किसानों ने लापरवाही का आरोप लगाया है। दरअसल हाई टेंशन तार की चिंगारी से यह हादसा हुआ है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियों ने आग पर तो काबू पा लिया, लेकिन नुकसान किसानों को ज्यादा हो गया है। जानकारी ये मिली है कि हाई टेंशन तार में स्पार्किंग हुई थी और चिंगारी नीचे खेत में आ गिरी, जिसकी वजह से जो फसल है वो पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुकी है। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। बिजली विभाग पर किसानों ने लापरवाही का आरोप लगाया, जिसके बाद किसानों ने हंगामा भी किया। मौके पर कई अधिकारी पहुंचे। हाई टेंशन तार की चपेट में आने से ये फसल जलकर खाक हो चुकी है। फायर ब्रिगेड की 3 गाड़ियां मौके पर मौजूद थी और आपको बता दें कि आग पर जो है काबू पा लिया गया है।